तस्वीर ड्राइंग के लिए कितनी अच्छी अच्छी पेंसिल लगवाई है। हे दोस्तों नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग जब स्कूल से स्टार्ट कर रही हूँ, अभी जो है 9:40 हो चुके हैं और अभी मैं स्कूल से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मेरा ऑफ पीरियड है तो आप इसलिए मैं अभी ब्लॉग का मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको कृष्णा जी दिख रहे होंगे ड्रॉइंग बनाकर, तो ये किस तरह की ये ड्रॉइंग है आपको पास से भी मैं दिखा देती हूँ। इसके पहले आज का ब्लॉग शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए तो आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और जो ड्रॉइंग दिख रही है आपको ब्लैक बोर्ड पर वो भी आपको मैं अभी पास से दिखा देती हूँ किस तरह से ये ड्राइंग दिख रही है कृष्णा जी की। चलिए व्लॉग कंटिन्यू कीजिए, व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आज के व्लॉग पर बने रहिए, देखते हैं हम आज आगे आगे क्या क्या चीज़ें हम कर पाते हैं आज के पूरे व्लॉग में। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। सो ये देखिए वो पास से ड्राइंग कितनी अच्छी और कितनी प्यारी है। ये ड्राइंग किसने निकाली है और क्यों निकाली है मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। उससे पहले आप देखिए कितनी प्यारी ये ड्राइंग है, कृष्णा जी है, बीच में बांसुरी, एक तरफ से कृष्णा जी का फेस है, दूसरी तरफ से शंख और मोरपंख लगे हुए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर घर पर इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं बच्चे, अगर आप लोगों को ड्राॅइंग करना पसंद हो। बहुत से लोग बच्चों को जो है ड्राॅइंग करना पसंद होता है तो आप लोग इसका ड्राॅइंग निकाल सकते हैं। आपको कैसी लिखी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो छोटे छोटे बच्चों को जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही जो ड्राॅइंग दी जाती है CBSE या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जो प्राथमिक स्कूल में उन्हें तो 8वीं के बाद ही ड्राइंग सिखाई जाती है। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे थोड़ी बहुत ड्राइंग आती है। मगर आप लोगों को बताएं ड्राइंग के लिए कौन सी पेंसिल यूज होती है, कौन कलर होता है, क्या अप्लाई होता है, ये तो आप लोगों को बताइएगा। और आप लोग जैसे जानते हैं जो सूरज जोशी जो ब्लॉगर है उनके सबसे पहले उन्हें ड्राॅइंग करते थे और ड्राॅइंग ही ब्लॉग मतलब वीडियो डालते थे। सो आप लोगों को पता ही होगा कि ड्राॅइंग उन्हें सबसे अच्छा पता है कि ड्राॅइंग में कौन सा पेन यूज होता है, कलर कौन सा होता है, किस तरह से मतलब आर्ट वगैरह कुछ सारे इंफॉर्मेशन उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है उन्हें। सो मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है ड्राॅइंग के बारे में, मुझे जो जितना पता है मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। ये जो कृष्णा जी की मूर्ति है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये जो ड्राइंग है हमारे स्कूल में जो हमारे साथ टीचर है गुप्ता मैम, उन्होंने निकाली है। तो ये ड्राइंग जो है कल उन्हें उनकी बेटी के लिए निकाल के बताई थी, उनके बुक पर उनकी प्रैक्टिस करवाई उसने। सो उसने जो टीचर ने जो कल जो है मतलब हमारे स्कूल में आकर उन्होंने फिर से प्रैक्टिस करके देखी ये ड्राॅइंग क्या निकल पाते हैं या नहीं। सो कैसे लग रही है आपको, अगर आपके बच्चे अगर छोटे हैं अगर उन्हें भी अदर का एक्टिविटी के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, ड्राॅइंग निकाल सकते हैं आपके आपके बच्चे जो है मतलब पढ़ाई में के साथ साथ अदर एक्टिविटी में भी अच्छे होने चाहिए। हम टीचर लोगों का यही मोटिव रहता है कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा और भी अच्छे अदर एक्टिविटी में रहे, जैसे कि स्पोर्ट, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, सारी एक्टिविटी में बच्चे जो है आगे बढ़े रहे, उनका करियर चाहे अगर उन्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट रहे तो वो उसमें अपना करियर बना पाए, इसलिए जो हम उन्हें प्रोत्साहित करते रहते। आप भी उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, ऐसे कुछ अगर फील्ड वो चूज करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ड्राॅइंग कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर, है दोस्तों। अभी मैं कविता मंगल कार्यालय में कार्यक्रम है, फंक्शन है एक गर्ल्स का, तो उसके फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं जा रही हूँ। मेरे स्टूडेंट पापा पहुँच गए, चलिए तो वहाँ पर चलते हैं। अभी कविता मंगल कार्यालय में जाना है, जो गूगल गर्ल कहते हैं गौरी उसे, उसका फंक्शन है, उसका फंक्शन वाले अभी हम जो मंदिर में है गजानन महाराज के, वहाँ से अभी मैं निकल रही हूँ। अभी वहाँ पर जाना है फंक्शन के लिए, मेरे सारे स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच चुके, सो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पर। सो चलिए आपको भी ले चलते हैं गूगल गर्ल गौरी से हम मिलाने के लिए, चाहे वो आई है या नहीं पता नहीं, अगर आई हो तो आप लोगों को दिखा देंगे, उनसे मिला देंगे। तो चलिए व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। सो है दोस्तों, अभी जो है हम जो सेमिनार के अटेंड करने के लिए गए थे वो सेमिनार हम अटेंड करके अभी घर पर जा रहे हैं। अभी समय हो चुका है, हमारे सारे स्टूडेंट भी घर पर जा चुके हैं। फिर सेमिनार तो काफ़ी अच्छा रहा, तो चलिए आपको रूम पर जाकर बताते हैं कि क्या हुआ हमारे सेमिनार में। सभी अब मैं दीदी के घर पर रही थी, मेरा जो सामान आया था जैसे आप देख सकते हैं घर से कुछ सामान आया है तो वो सामान ले लिया है। अभी अभी जाने वाले हम रूम पर, तो चलिए अभी रूम पर चलते हैं, ब्लॉक पर बने रहिए। सामान देख रही है आया है मतलब हमारे घर से, अभी जो है सब्जी आई है और कुछ सामान जो हम घर से आते हैं घर मतलब हमारे यहाँ पर जो मंगलवार के दिन जब जो है बाज़ार लगता है तो उससे ये सारा सामान आया है हमारा। तो अभी घर से आई नहीं मेरे, अभी भेजा है मेरे जीजा जी के हाथ पे। तो अभी चलते हैं घर पर, रूम पर, चलिए तो चलिए ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। सो कल जो हम सेमिनार अटेंड करने के लिए गए थे वहाँ पर गूगल गर्ल गौरी के, तो उनका मतलब सेमिनार था, तो उनकी जो मॉम है वैशाली जी सो वो इंस्पायर करके जो ग्रुप है वो चलाती है वहाँ पर, जो बच्चों को ट्रेन करती है कि किस तरह से आपको लर्न करना चाहिए, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, किस तरह से और डायमंड वर्ड का को इस्तेमाल करके बच्चों को याद कर रखने के लिए बोलती है। सो वो सारा कुछ कल के सेमिनार में रहा। तो हमारे सारे लिटिल वर्ल्ड के सारे स्टूडेंट थे, 9th क्लास के 10th क्लास के सारे स्टूडेंट हमारे साथ आए थे। उन लोगों ने सभी लोगों ने जो कल के सेमिनार को अटेंड करने के बाद उन लोगों ने एडमिशन भी ले लिए, तो आज से उन मतलब कल से उनके क्लासेस हुए।
स्टार्ट हो जाएंगे अच्छे से, मतलब आज से उनके क्लासेस जो है अटेंड करना शुरू हो जाएंगे, 5 दिन का वो कोर्स है। सो आपके अगर गाँव में, आपके शहर में अगर ये क्लासेस आए तो आपके बच्चों को ज़रूर लगा दीजिएगा, ताकि उनका भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। उनको किस तरह से लर्न करना चाहिए वर्ड को, किस तरह से आपको याद रख सकते हैं पेज के पैराग्राफ वगैरह, सो काफ़ी अच्छा सेमिनार रहता है वो। तो बेसिकली उसका हेड ऑफिस जो है नागपुर में है, अगर आप चाहे तो नागपुर से जाकर वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, और चाहे तो अगर आपके शहर में अगर आते हो गए वो सेमिनार तो अटेंड ज़रूर कीजिए। सिर्फ 5 दिन का होता है, काफ़ी बेनिफिट है, तो आप लोग के बच्चों को काफ़ी अच्छा रहेगा, तो सेमिनार ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो उसमें बताया कि आप किस तरह से आपके अचीवमेंट आप हासिल कर सकते हैं, मतलब आपकी IQ लेवल बड़ा होना ही ज़रूरी नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे से मतलब मुकाम पर पहुँच सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को जो है स्टडी करते रहने चाहिए, बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, जितना आप टाइम आप बुक्स पढ़ेंगे जितना आपका उतना ही आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। सो कहते हैं ना मराठी में एक कहावत है, विद्या देल्या नहीं वाढते, तो पढ़ते रहिए और लोगों को अपने ज्ञान की मतलब जो आपको मतलब नॉलेज हो दूसरों को भी, दूसरे के साथ भी बांटा कीजिए।